हेलो गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि कस्टम डिज़ाइन का पीसीबी हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकता हूँ, और आप किस तरीके से डिज़ाइन करते हो, और कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आप कस्टम पीसीबी डिज़ाइन करने के लिए, उसके बारे में हमें डिटेल में बताइए। तो देखिए, मेरे पास कल या परसों ही मेरे पास कुछ कस्टम डिज़ाइन का पीसीबी आ चुका है, और देख सकते हो ये जो पीसीबी है मैंने ही डिज़ाइन किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा चैनल का जो लोगो है अब देख सकते हो, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ताकि आपको ना लगे कि मैं इसको किसी और से बनवाया हूँ। तो बिल्कुल नहीं, ये खुद मैंने बनाया हूँ। देख सकते हो मेरा चैनल का लोगो, ये एक देख सकते हो एक डॉल्फिन है, और इस डॉल्फिन को मैंने किस तरीके से पीसीबी में कन्वर्ट किया हूँ, और ये कम्प्लीटली पीसीबी में डिज़ाइन हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर जो भी कंपोनेंट्स लगेंगे, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आईसी लगेगा, और यहाँ पे कुछ 5mm का LEDs लगेंगे, और यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर यानी कि पोटेंशियोमीटर लगेगा, और कुछ रजिस्टेंस ऑन एक स्विच। और ये जो पीसीबी मैंने बनाया हूँ ये LED चेसर प्रोजेक्ट के लिए बनाया हूँ, और ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही जल्द मेरे ही इस चैनल पे आने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं इस प्रोजेक्ट का वीडियो डालूँगा आपके पास पहुँच जाएंगे। तो देखिए, पीछे की साइड में कुछ मैंने कलरिंग किया हूँ, जो यहाँ पे देख सकते हो, इसको और भी अट्रैक्टिव देखने के लिए ये मैंने इसमें से कलरिंग किया हूँ, ताकि हमें ये जो प्रोजेक्ट है वो और भी अच्छे से दिखने लगे। तो चलिए, उसके बाद हमने और एक प्रोजेक्ट यहाँ पे पीसीबी को डिज़ाइन किया हूँ, और ये जो पीसीबी डिज़ाइन किया हूँ ये कुछ बल्ब की तरह आपको देखने को मिलेगा, और ये भी मैंने खुद ही डिज़ाइन किया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब लिखा हुआ है, और पीछे मेरा चैनल का लोगो, और इसमें क्या क्या लगेगा आप देख सकते हो, यहाँ पे 4017 IC लगेगा, और उसके बाद यहाँ पे IRF Z44 दो यहाँ पे MOSFET लगेगा। और ये जो प्रोजेक्ट बनेगा ये बनेगा कैसे, आप 12 वोल्ट DC इनपुट करके आउटपुट पे आपको 230 वोल्ट AC वोल्टेज मिलेंगे। तो उसी के ऊपर इस मतलब प्रोजेक्ट को मैं बनाऊँगा। यहाँ पे देख सकते हो आपको इनपुट करना होगा यहाँ पे 12 वोल्ट, और यहाँ पे आपको एक 12012 का ट्रांसफार्मर लगाना होगा, और ट्रांसफार्मर के आउटपुट से आपको 230 वोल्ट AC वोल्टेज आपको मिलेगा। इसका भी प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आप बढ़िया थे कि ये जो हमने पीसीबी डिज़ाइन किया हूँ, देख सकते हो और भी बहुत पीसीबी है, मैं एक डिज़ाइन का 10 पीस मैंने मंगाया हूँ। तो आप बढ़िया थे कि किस तरीके से हम इस तरह की जो पीसीबी है हम डिज़ाइन कर सकते हो। सिर्फ ये जो मैंने डॉल्फिन बनाया हूँ सिर्फ यही नहीं, और ये जो बल्ब है यही नहीं, आप चाहे किसी भी डिज़ाइन का आप कैसे बना सकते हो, चाहे वो आपका जो बाइक है, बाइक में आप जो बैकलाइट होता है उसको आप LED में कन्वर्ट करना चाहते हो, और उस साइज़ का आप किस तरीके से पीसीबी को डिज़ाइन करोगे, चलिए मैं अपना कंप्यूटर में ले जाके आपको दिखाता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैं ये सारे पीसीबी को डिज़ाइन करता हूँ। तो चलिए हमारे सिस्टम पे, तो अब चलिए देख लेता हूँ कि किस तरीके से आप पीसीबी को डिज़ाइन कर सकते हो कुछ इस तरीके का लेआउट लेके। तो आप देखिए हमारे सामने ये जो आप लेआउट देख रहे होंगे एक फॉग का आउटलाइन है। तो अगर आपको इसी तरीके का देखने को एक पीसीबी बनाना चाहते हो, पीसीबी डिज़ाइन करना चाहते हो, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक लेआउट कि आप किस तरीके का पीसीबी बनाना चाहते हो, चाहे आप खुद ही जो पेपर पे ड्रा करके अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो पिक्चर होगा, फोटो होगा, वो PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो ये जो पिक्चर है अभी PNG.png फॉर्मेट में है, तो आपको भी PNG फॉर्मेट लगेगा। और उसके बाद आपको जाना होगा easyeda.com, और ये जो easyeda.com है, मैं जितना भी PCB को डिज़ाइन करता हूँ सारे के सारे इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ, easyeda.com। easyeda.com पे आने के बाद आपको सबसे पहले अपना अकाउंट खोलना होगा, मैंने भी खोल के रखा हूँ और लॉगिन करके रखा हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा जो नाम है यहाँ पे दिख रहा होगा, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक सिमेट्रिक डायग्राम ड्रॉ करना होगा कि आप जो पीसीबी बनाना चाहते हो उस पीसीबी को किस लिए यूज करोगे। जैसे कि आपने देखा ये जो पीसीबी है ये मैंने यूज़ करने वाला हूँ और इस्तेमाल करने वाला हूँ, 12 वोल्ट इनपुट करूँगा और आउटपुट पे हमें 230 वोल्ट AC वोल्टेज मिलेगा। तो इसी को ये जो सर्किट आप देख रहे होंगे, इसी सर्किट को मैंने ये जो पीसीबी है इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया हूँ, यानी कि सारे के सारे अटैच किया हूँ।
तो चलिए अब हम ये जो आप आउटलाइन देख रहे हो, ये जो आप आउटलाइन देख रहे हो, तो इसी सर्किट को इसके अंदर किस तरीके से आप डाल सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको आपको यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे देख सकते हो कन्वर्ट टू पीसीबी, यहाँ पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है कन्वर्ट टू पीसीबी, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेंगे। तो ये जो आउटलाइन है चार कोना वाला, इसको आपको डिलीट कर देना होगा, कुछ इस तरीके से आपको डिलीट कर देना होगा। और अब क्या करना होगा, आपके पास जो इमेज है उस इमेज को आपको यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। और वो आप कैसे कर सकते हो, अच्छे से ध्यान से देखिए। तो आप यहाँ पर देखिए एक इमेज का सिंबल, आप यहाँ पे एकदम कोने पे जो इमेज का सिंबल आपको दिख रहा होगा, तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर कर्सर को रखा, यहाँ पे लिखा है इमेज, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट एंड इमेज फाइल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। और उसके बाद आपका जो पिक्चर जहाँ पे है डाउनलोड पे है मेरा, तो वहाँ से वहाँ पे जाके आपको सिलेक्ट करना होगा। और ये हमारा ये जो 190 है, यही हमारा वो पिक्चर है, उसको ओपन करेंगे, देख सकते हो हमारा आ चुका है। तो एक्चुअल पिक्चर जो ये है और हमारा आउटलाइन कुछ इस तरीके का बनेगा। तो उसके बाद आपको इंसर्ट टू पीसीबी पे क्लिक कर देना होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि हमारा साइज़ देख सकते हो बहुत ही बड़ा हो चुका है, अगर आपके हिसाब से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। और वो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक्स लोकेशन और वाई लोकेशन के नीचे ऑइड एंड हाइट लिखी हुई है। तो इसके बाद आप यहाँ पे देखिए इसका जो हाइट है देख सकते हो 5528 देख सकते हो मिलीमीटर इसका हाइट है, और वाइड है आप देख सकते हो 5313 मिलीमीटर इसका वाइड है। तो इसका आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ पे 5313 है, आप यहाँ पे 4313 भी कर सकते हो, और इसके बाद नीचे 5528 है 4428 भी कर सकते हो। तो देख सकते हो हमारा ये पिक्चर छोटा हो चुका है। तो अब आपको आउटलाइन क्या कैसे करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर देख सकोगे यहाँ पर ट्रैक लिखा हुआ है, ट्रैक को सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे आपको बॉर्डर बटन नहीं नीचे आपको दिखेगा बॉर्डर आउटलाइन, देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर आउटलाइन लिखी हुई है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, देख सकते हो यहाँ पे पेन आ चुका है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आना होगा जहाँ पर ट्रैक लिखा हुआ है, तो इस ट्रैक के ऊपर क्लिक करके आप अपने हिसाब से इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो जो एंगल है 45 है, इसको आपको फ्री एंगल कर देना होगा। जैसे ही आप फ्री एंगल कर दोगे तो आपको अपना आउटलाइन खुद ही ड्रॉ करना होगा। वो कैसे, आपको इसको मैं बड़ा कर लेना होगा, उसके बाद यहाँ से एंटर किया आपने, और इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से अपना अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर पाओगे, जो भी आपको जिस तरीके का आपको चाहिए उस तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से दिखेगा। तो आपको पूरा साइड इसी तरीके से आपको भरना होगा, देखिए जो आउटलाइन है कुछ आपको इस तरीके से। तो जल्दी से मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको करके दिखा देता हूँ। सो गाइस आप देखिए फाइनली हमारा जो आउटलाइन है वो बन चुका है, और वो किस तरीके से आपको दिखेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको सेव कर लेना होगा। तो किस तरीके से आप सेव कर पाओगे, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद सेव एज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FRO GG, और उसके बाद हम सेव कर देंगे। और जैसे सेव करेंगे उसके बाद हम व्यू पे जाएंगे, और उसके बाद 3D व्यू करेंगे हम। और जैसे 3D व्यू करेंगे आपको दिख जाएगा कि हमारा जो PCB का आउटलाइन है कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा, देख सकते हो। क्योंकि अभी तक हम इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट्स वगैरह नहीं डाले हैं, इसलिए आपको इस तरीके का दिखा रहा है। और ये जो नीचे आपको ये जो सारे कुछ दिख रहा है, आपको इसको ऊपर टॉप लेयर पर करना होगा, टॉप स्केल लेयर पर आपको करना होगा, तब आपको ये जो आपका जो PCB है और भी आपको 3D व्यू पर अच्छा लगेगा। तो चलिए और कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स है आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख दीजिएगा,
आप जो भी जहाँ पे रखना चाहते हो यहाँ पे रख दीजिएगा। यहाँ पे हमारा आपको जो भी जहाँ पे अच्छा लगे आप इस आउटलाइन के अंदर आप रख सकते हो, चाहे आप ऊपर रखिएगा चाहे आप नीचे रखिएगा, आपके मर्जी से आप जहाँ भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो अभी आपको डेमो दिखाने के लिए मैं जल्दी से जहाँ पे जो मैं आते हैं सारे के सारे रख दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे ऑटो राउट। यहाँ पे आएंगे और ऑटो राउट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रन कर देंगे। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, ये मैं कोई ऑर्डर का नहीं करने वाला हूँ, और उसके बाद मैं आपको 3D व्यू करके भी दिखाऊँगा। तो यहाँ पर कुछ टाइम लगेंगे तो मैं इसको यहीं पे पॉज कर देता हूँ, उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ऑटो राउट के ज़रिए हमारा जो सारे ट्रैक था वो कम्प्लीटली जोड़ चुका है एक दूसरे के साथ। तो आप बढ़िया थे कि ये जो हमारा PCB है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा PCB के ऊपर जो व्हाइट यहाँ पे डिज़ाइन आप देख रहे होंगे व्हाइट सा, तो आप इसको किस तरीके से लगा पाओगे और हमने यहाँ पर जो लोगो लगाया हूँ इसको किस तरीके से लगा पाओगे। जैसे कि हमने यहाँ पर देख सकते हो ये लगा चुका हूँ व्हाइट सा। तो चलिए अब हम जो यहाँ पे पिक्चर अपलोड किया था उसी को ही हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो आपने पिक्चर अपलोड किया था इस पिक्चर को आपको डबल क्लिक करना होगा, उसके बाद इसको राइट क्लिक करके एट्रीब्यूट्स पे आपको जाना होगा। और एट्रीब्यूट्स पे जाने के बाद एट्रीब्यूट पे आपको ये लिखा हुआ है टॉप लेयर, तो इसको चेंज करके आपको टॉप स्केल लेयर पर आपको क्लिक करना होगा जो कि तीसरी नंबर पर टॉप लेयर, उसके बाद बॉटम लेयर, उसके बाद टॉप स्किल लेयर, उसके बाद बटन स्किल लेयर। तो आपको तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके अपडेट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आपको अपडेट पे क्लिक करोगे तो हमारा ये जो आपका जो मतलब फीका फीका सा हुआ था कलर हमारा वो व्हाइट में बदल गया है। तो अगर आप इसको 3D व्यू में देखना चाहते हो किस तरीके से देखेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका सेव करता हूँ और उसके बाद 3D व्यू, और जैसे ही हम 3D व्यू पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा हमारा PCB कुछ इस तरीके से बन चुका है, आप देख सकते हो, और पीछे की तरफ आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो इसी तरीके से आप अपने हिसाब से किसी भी PCB को अपने मनमर्जी से यूज़ कर सकते हो। अभी जो मैंने इसको डिज़ाइन किया हूँ थोड़ा सा देख सकते हो अच्छा नहीं हुआ है ऊपर के साइड नीचे के साइड, तो जब आप इसको डिज़ाइन करोगे टाइम लेके करोगे क्योंकि ये सही से राउटिंग नहीं हुआ है जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, तो आपको टाइम लगा के ये सारे चीज़ को अच्छे से करना होगा। और उसके बाद अगर आपको लोगो इंस्टॉल करना है यानी कि लोगो इंसर्ट करना है तब आपको क्या करना है, ठीक उसी तरीके से आपको फिर से इमेज में जाना होगा, और इमेज में जाने के बाद जहाँ पे आपका लोगो है उस लोगो को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चलिए हमारा लोगो कहाँ पर है मैं ढूँढ के यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो हमारा जो लोगो है इस फोल्डर पे है, तो स्पेशली PCB के लिए मैंने ये वाला फोल्डर को ये वाला जो पिक्चर है ड्रॉ करके रखा हूँ ट्रांसपेरेंट लोगो प्योर PCB, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। अभी देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, तो इसको सबसे पहले साइज़ को आपको छोटा कर लेना है, मैं 10x10 कर लेता हूँ, उसके बाद इंसर्ट PCB, और देख सकते हो अभी ये काफ़ी छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पर 10x10 मैंने किया तो काफ़ी छोटा सा दिख रहा है। तो इसको मैंने क्या करूँगा, इसको मैं पहले बिठा दूँगा उसके ऊपर क्लिक करूँगा, और जो 10x10 मैंने किया था यहाँ पे मैं कर दूँगा 50, यहाँ पे भी हम कर देंगे 50, और उसके बाद आप देख सकते हो कुछ बड़ा हो गया, फिर भी हमारा और भी बड़ा चाहिए, तो अब हमें यहाँ पे 50 के जगह हम कर देंगे 500 और नीचे भी हम 500 कर देंगे, और उसके बाद हमारे यहाँ कुछ इस तरीके का लोगो आ चुका है। तो आप अपने हिसाब से आप इसको जहाँ पे मर्जी आप बिठा सकते हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, आपको इसको राइट क्लिक करके एट्रीब्यूट पर जाने के बाद आपको देखना होगा कहाँ पे कौन सी लेयर पे ये फिक्स हो चुका है। तो मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था, यहाँ पे मैंने टॉप स्केल नहीं सिलेक्ट किया था, इसलिए आपको यहाँ पर टॉप लेयर से टॉप स्केल लेयर पर जाके इसको अपडेट कर देना होगा। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं आपको 3D व्यू करके दिखाता हूँ कि अब हमें किस तरीके का दिख रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे 3D व्यू किया, और आप देख रहे होंगे कि हमारा जो लोगो है यहाँ पे आ चुका है कुछ इस तरीके से। और अगर आपको PCB के ऊपर कुछ टाइप करना है लिखना है तब किस तरीके से आप लिख पाओगे यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपको T लिखा हुआ है यानी कि टेक्स्ट, इसको आपको लेफ्ट क्लिक करना है, क्लिक करके आप जहाँ पर भी यहाँ पे लिखना चाहते हो वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, और उससे पहले आपको यहाँ पे
टॉप स्केल लेयर को सिलेक्ट कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, इस तरीके से आप कर दिया, उसके बाद एंटर कर दिया। देख सकते हो यहाँ पे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब आ चुका है। और इसको भी आपको कर देना होगा एट्रीब्यूट्स, उसके बाद टॉप स्केल लेयर, उसके बाद अपडेट। तो देखिए हमारा यहाँ पे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब लिखा चला है, लिख के आ गया है। और उसके बाद आपको सेव कर देना है। और सेव करने के बाद अगर आपको इसी पीसीबी को डिज़ाइन कराना है, इस तरीके से आपको प्रिंट करवाना है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो जी लिखा हुआ है, जी के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको गर्बर फाइल डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे गर्बर फाइल यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का पीसीबी आपको बन जाएगा। तो गर्बर फाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा हमारा गर्बर फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो आपको क्या अब क्या करना है, इस गर्बर फाइल को आपको उस वेबसाइट पे जाके अपलोड करना होगा जिस वेबसाइट के ज़रिए आप पीसीबी को बनाना चाहते हो, जिस कंपनी के ज़रिए आप पीसीबी को बनाना चाहते हो। तो आई थिंक गाइस आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि एक इस तरीके का जो यूनिक पीसीबी डिज़ाइन आप किस तरीके का किस तरीके से कर सकते हो। तो अगर कुछ भी आपको अच्छे से जानकारी मिला है तो ज़रूर नीचे बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको किस तरह कैसा लगा है। और ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को। और अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए मेरे से पर्सनल, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए भी मैसेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। थैंक यू गाइस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया